आज का सेशन 9 बजे स्टार्ट हुआ और मॉर्निंग में अनाउंसमेंट 10 बजे का हुआ था। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें, उसके लिए अच्छा मैं माफी का मुस्तहक हूँ, अच्छा क्योंकि मैं यही समझा, मैंने कहा 10 बजे, तो मैंने ठीक 10 बजे ज्वाइन किया, 10 बजे थोड़ा लेकिन उस ज़्यादा लेट समय हो तक जाता है, थोड़ा बताया था उन्होंने जो है मुजाहिद सर ने कि 10 बजे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए हमने 9 बजे स्टार्ट किया। और कोई हाँ दिक्कत तो नहीं, एक्चुअली मेन प्रेजेंटेशन मॉर्निंग में आपने 10 बजे का कहा था, तो मैं जी जी उसी जी जी चक्कर जी जी में जी मैंने बाद में अभी मैंने फिर देखा, अरुण सर का भी मैसेज था, आपका भी था, और हम लोग खाना खा रहे थे। मैं जल्दी से खाना खा के और फिर हम 10 बजे ज्वाइन कर लेंगे, तो मैं काफी कुछ मिस कर गया, लेकिन जैसा आपने कहा कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है हमारा खाना तो चीजें सर और ये ये हमारा खाना तो सर ये रखा हुआ है, देखो अभी मिसेज रख गई इतनी देर से, तो लेकिन हमने रिकॉर्डेड हम है, तो खाना जो है हमें जी एक रोटी खाते हैं बस, खाली थोड़ी सब्जी खाते हैं बस। हाँ सही बात है सर, बहुत बाजरे की बढ़िया। रोटी ये रखी, ठंडी हो गई, रख रखे असल में आज कुछ ऐसी चीज बन गई थी कि मतलब हमने कहा पहले ये निपटा लिया जाए, जाड़े की मेवा पाए बन गए थे आज अरे अरे वाह, अरे वाह सर, जी और वहां से नान आ गई, जी बाजार से नान लिया भैया गरम गरम, तो मेरा खाना खा लो पहले। तो मैंने कहा चलो मीटिंग तो 10 बजे है, सर खांसी में, अब थोड़ा तो खांसी में आराम है सर? बहुत ये खांसी में मेरे बहुत आराम है सर, खांसी बढ़िया बहुत बढ़िया। में मेरे बहुत आराम है। रात भी मैं बहुत इत्मीनान से सोया, और वाइफ की तबीयत अभी ठीक नहीं है जी, जी इसको अभी फीवर भी था, और तो अभी मैंने इसको मैनेजमेंट चल रहा है क्योंकि जी वो तो एक को हो जाए तो फिर सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थोड़ा टाइम से जल्दी जल्दी अब सो जाएं आप टाइम से, और थोड़ा जी हाँ देर से उठें, सर थोड़ा सा जो है ज़्यादा बेहतर हाँ, अभी रहेगा। तो हम लोग आराम से उठ रहे हैं। अच्छा जो वसीम साहब ने कहा कि मैं तारीफ नहीं करूंगा बल्कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, गलतियां बताऊंगा, तो ये उनका तरीका है उनके मोहब्बत के इजहार का। हम लोग सब आपको बहुत प्यार करते हैं सर, और वसीम सर भी आपको बहुत प्यार करते हैं मैं जानता हूँ, जिनके क्वेश्चन और ज्यादा होते हैं एक्चुअली वही आगे तेजी से बढ़ते हाँ हैं और बिल्कुल आगे काम सही बात करते है, हैं, और ये जरूरी है मेरा कि अपना हम अनुभव ये रहा है। जी हमारी जो क्वायरीज हैं वो जी क्लियर होनी चाहिए, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ, मोहसिन सर से पूछता हूँ। आज वो फोटो उसकी स्कैन करके जो मैं डाल रहा था उसमें वी शेयर में अपना चेक जो डिसमिस हो गया था, मैंने आपसे भी शेयर किया था जी सर और फिर बिल्कुल तानिया जी से भी मैंने बात की थी, तो वो हो नहीं पा रहा था, तो फिर मोहसिन सर ने किया, बोले आप मुझे भेज दो, मुजाहिद सर भी बैठे थे वहीं पे, तो एकदम जब मैंने फोन किया बोले आपकी उम्र 200 साल की, मैंने कहा ये तो बहुत लंबा हो जाए, बट यहाँ तो 100 ईयर्स हेल्थी लाइफ कहता बस। तो ये सब हम लोगों का प्यार है, और जैसा कि मैडम ने एक स्टेटमेंट मेंशन किया मुझे बहुत अच्छा लगा, कि हमें ऐसा लगता ही नहीं हम अपने घर से बाहर हैं, बिल्कुल बिल्कुल हमें ऐसा लगता है हम अपने परिवार में ही हैं, हमारे ही लोग हैं सब, और परिवार में भी खट्टे मीठे हर तरीके के तजुर्बे होते हैं, अनुभव होते हैं, कुछ सख्त जान होते हैं, कुछ बहुत नम्र होते हैं, हर तरीके के बिल्कुल परिवार में लोग होते हैं, और ये उनका खुलूस है वसीम भाई का, कि वो जानना चाहते हैं, और ये जो ईगरनेस है यही कामयाबी की राह का पहला मील का पत्थर है, तो बहुत जरूरी है ये चीजें। तो मैं वसीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी क्वायरीज को बिल्कुल सर, बिल्कुल बताएं, बिल्कुल और बिल्कुल जो सर, थैंक यू हमारे वेरी मच सर, आपने मुझे थैंक यू वक्त सर, दिया, थैंक थैंक यू यू थैंक सो यू मच। सर, थैंक यू थैंक यू अजय सर। हमारे फिरोजाबाद में हमारे जो है रफ़ी सर हैं, जिनको बहुत सारे लीडर्स से मुलाकात की और पहले काफ़ी सारी चीज़ें जाना, लेकिन उनके फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। और जब मैं फिरोजाबाद गया, सर को याद होगा, और वो मेरे से मिले, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, क्योंकि वो भी एक स्कूल चलाते हैं, मैं भी एक स्कूल चलाता हूँ, मेरे पास भी एक स्कूल है जो कि
जून राइस को चलाता था मैं जो है, मैंने अभी बंद कर रखा उसको जो है। तो मेरे से मिलने के बाद उनके बहुत सारे क्वेश्चन क्वारीज पूरे हो गए और उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। जितने जिनके ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वो आगे जाके बहुत बेहतर काम करते हैं क्योंकि उनके सारे क्वेश्चन का हल हो जाता है। तो हमारे वसीम सर आ चुके हैं। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम वसीम सर, माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। वेलकम सर, वेलकम जी सर। जी सर, कोई क्वेश्चन थे आपके, कुछ रह गए थे सर? आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज, आ रही है सर। ओके थैंक यू सर। आज क्या हुआ, मैं अपने घर में था और वो मैं सेंटर से जब आता हूँ तो ये हेड केयर मसाजर ले आता हूँ, घर पे बच्चों को करना होता है। जी जी, क्योंकि बच्चे शिकायत करते हैं आप खर्राटे बहुत जोर से लेते हैं, तो जैसा कि आपने बताया था कि उसका यूज किया जाए, तो मैंने उसके देखा था 3-4 दिन में जो है तकरीबन 90% फायदा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज मेरी जो है वो कह रही थी कि मेरी उंगलियां सूज रही हैं, तो मैंने कहा हेड मसाजर किस काम आएगा, करो। तो मैंने तो कहा था नॉन वाइब्रेशन पे रखना, लेकिन वो थोड़ी देर रखा, उसके बाद फिर उन्होंने वाइब्रेशन किया, 10 मिनट में बिल्कुल सही होगी सूजन, सिर्फ 10 मिनट में। तो ये असल में का जो है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमने क्या किया, क्या ठीक करने के लिए, इसी तरह का हमें वो चाहिए। अब हमारे जो दूसरे लीडर हैं वो भी अपनी तजुर्बात इस तरह से बताएं कि साहब फला मरीज था, उसको ये प्रॉब्लम थी, फिर हमने उसे इस तरतीब से ऐसे ठीक किया, ये सप्लीमेंट दिए, तो ये हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल रहता है। और जहाँ तक हमारे अजय चंद साहब का सवाल है, अजय चंद साहब हमारे बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं, बहुत जिंदा दिल आदमी है। अब मेरे सामने नहीं है इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, हो सकता है सुन रहे हो। बहरहाल उनसे मिलकर बहुत दिल खुश होता है। और सर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ नेटवर्किंग के ताल्लुक से। जी सर, जी सर, आवाज सर बंद हो गई आपकी, आवाज आवाज दोबारा अनम्यूट कर लें आप दोबारा। हाँ जी जी, आवाज आ रही सर, आ रही है सर। ऐसा है नेटवर्किंग में सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ वह है राबता, यानी लोगों से राबता कैसे किया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरी चीज तो हम कन्विंस कैसे करें और उनके जो नेगेटिव क्वेश्चंस आएंगे उनको हम किस तरह से डील करें। तो मेरे ख्याल से आप इन सब सवालों का जवाब दे चुके हैं अपने उसमें, तो मैं जब इसकी रिकॉर्डिंग सुनूंगा उसके बाद फिर मैं कोई क्वेश्चन होगा तो फिर मैं रेज करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। छोड़ूंगा नहीं मगर मैं आपको, नहीं हम भी नहीं छोड़ेंगे सर आपको, एच डी ले आगे छोड़ेंगे हम आपको, पूरा एच डी पे पहुंचा के, शिखर पे पहुंचा के फिर छोड़ देंगे आपको। अच्छा जी, थैंक यू। 1 लाख लोगों की टीम बनानी सर आपकी, 1 लाख लोगों की, एक दिन में पॉसिबल नहीं है, 1 लाख लोगों की टीम बनानी है आपकी। जैसे इंग्लिश में एक वो मुहावरा है कि राइज करने के लिए ना एक चीज बहुत जरूरी है, क्यूरियोसिटी या डिसकंटेंट, यानी एक तो जिज्ञासु हो आदमी, जिज्ञासु, और दूसरे इसके अंदर संतोष ना हो, असंतोष, असंतुष्ट रहे, मतलब अपनी कारकर्दगी से कभी संतोष महसूस ना करे, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहे, तभी आदमी राइज कर सकता है। मैं तब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा, तब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा तब तक 1 लाख लोगों को 1-1 लाख रुपए घर में नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा मैं जो है, ये मेरा डिसीजन है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर, ठीक है सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वसीम सर, थैंक यू। अच्छा लगता है आप आते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं तो बहुत, बहुत मुझे बहुत मजा आता है। हमारे साथ आरिफ जी हैं अलीगढ़ से। वेलकम सर, वेलकम, अनम्यूट कर सकते हैं सर माइक, आरिफ जी। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, चांस फैमिली को मेरी गुड मॉर्निंग, प्यारी प्यारी। और वाकई में तभी सर आपने तो वाकई में आज कमाल कर दिया, सारे डाउट बाजू में क्लियर हो गए आज, जो मुझे भी कुछ डाउट थे तो वो आज पूरे हो गए। वाकई में बहुत अच्छा लगा आज सुन के, और वाकई में मैम ने जो अपने बारे में रियली बताया है, वाकई में सभी सर टाइम है थोड़ा सा बोलने के लिए? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। तो वाकई में मैम ने जो अपने बारे में रियली बताया वाकई में वो रियली है, क्योंकि मैं भी टाइम्स में जो आया अपनी हेल्थ को लेके आया था, बहुत बड़ा इशू था मेरे साथ में, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल हार चुका था कि वाकई में मेरे अंदर जो बीमारियां थी बिल्कुल बिल्कुल ये थक गया कि वो बीमारियां बिल्कुल ठीक नहीं होंगी। और मुझे भी ऐसे एक दूसरे के जरिए मुझे पता चला, बताया, तो मुझे भी वाकई में यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो जाएगा। तो हमारे गेट अपलायन हमारे आसिफ सर, वाकई में उन्होंने मुझे, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, उन्होंने मुझे इस सिस्टम से जोड़ दिया
और उन्होंने वाकई में सिस्टम को मुझे फॉलो करवा दिया। ये तो सर, ये आरिफ सर, ये तो मैंने आपको लाइव देखा था जब मैं गया था कमालुद्दीन साहब के सेंटर की ओपनिंग करने के लिए, तो मैंने लाइव देखा था कि आपके हाथ कप कपा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, और मैंने ये कहा था, मैंने कि मुजाहिद सर से, मैंने सर ये तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे सर, इनको तो बोलने में भी बिल्कुल इतनी हिचकिचाहट हो रही है, और आप कैसे इनको आप ये दिलवा रहे हो 1,20,000 का आपकी पूरा सेटअप दिलवा रही है, तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने ये कहा था उस समय पर, वहां पर किया था जब आपने मेरे को पैसे दिए थे, तो मैंने इस समय इस चीज को मैंने कहा था, मैंने कि मेरे को बिजनेस जो है वो करना है जो कि लोग कर सकें, जिससे किसी की बददुआएं ना मिले। लेकिन सबसे अच्छा साबित हुआ आपका काम करना कि आपने पूरे लॉकडाउन में इतना बेहतरीन तरीके से काम किया, इतने सारे लोगों की सेवाएं की आपने डेली अपने सेंटर को खोल करके, और इतने सारे लोगों की जान बचाई है आपने, इतना अच्छा वहां से रिजल्ट लिया है। मैं सल्यूट करता हूँ, मैं बिल्कुल सल्यूट करता हूँ आरिफ सर आपको जी। तो सर वाकई में आसिफ सर ने मुझे इसके बारे में बताया कि वो मोबाइल में एक बार ये वीडियो देख रहे थे हाथ वाली, तो मैंने कहा ये क्या देख रहे हैं आप, तो बोले कि ये वाकई में एक सिस्टम है, बहुत पावरफुल है आरिफ भाई ये, और ये मशीनें मैंने भी बुक कर दी हैं और आ जाने दो। तो मेरे हाथ कांप रहे थे उनके सामने, तो वो बोले आरिफ भाई ये तुम्हारी जो कांपन है ना ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वाकई में मुझे यकीन हुआ, मैंने उनसे बोला मैं क्यों झूठ बोल रहे हो, और ये रियल ये हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि मैं कम से कम 15 डॉक्टरों को 20 डॉक्टरों को दिखा चुका था अपनी बीमारी को दिल्ली में जी जी, क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत काफी समय रहा था, और मुझे बड़ी शर्म सी लगती थी जब मेरे हाथ कांपते थे, जैसे मैं चाय पीता था तो हाथ कांपते थे, बड़ी शर्म सी लगती थी। मैंने ये बताओ अभी मतलब अभी शादी नहीं हुई और शादी से पहले ये बीमारी स्टार्ट हो गई, तो वाकई में मुझे बड़ी शर्म सी लगती थी। मैंने कि ये कैसे ठीक होगी, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं अपनी बीमारी को क्योर कर सकता था। वाकई में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टेंस का और अपने अपलायनों का, सारे अपलायनों का, वाकई में मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का। और मुझे सिस्टम मिला और सिस्टम को वाकई में मैंने फॉलो किया, जैसे आसिफ भाई ने बताया मैंने ऐसे ही फॉलो किया। उन्होंने कह के आरिफ भाई ये आप वाकई में यकीन करो, विश्वास करो, आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा चलो विश्वास तो करना पड़ेगा भाई, कोई ये बता रहा है तो उसका विश्वास यकीन तो करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारियां वो थी। मैंने उनका यकीन किया और मैंने कि करना क्या ये बताओ, तो उन्होंने कहा कि भाई किसी आप तो इतने पढ़े लिखे नहीं हो, मर किसी डॉक्टर को साथ में ले लो। मर मैंने चलो मैंने डिसीजन लिया, एक हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब थे, तो मैंने उनसे आके कहा मैं डॉक्टर साहब एक एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर थेरेपी का सिस्टम लगा हुआ है ऊपर कोर्ट पे, वो माता वाली गली के मुजाहिर का था ना उसकी, उसने वो मुजाहिर ने बताया था वो, तो मैंने उसके बारे में बताया उनसे, तो उन्होंने सीधा 3 बार मैंने उनके उनसे क्वेश्चन किया, मैं डॉक्टर साहब मेरे साथ चलो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहे ये तो मेरे पास सारी मशीनें हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बार मुझे नॉलेज नहीं है, आप मेरे साथ चलो जाके देख लो, बस ये बता दो सही है या गलत है, बाकी मैं डिसीजन ले लूंगा अपना। तो उन्होंने मना कर दिया डॉक्टर ने, फिर एक डॉक्टर हसन साहब थे जमा के, जमा से आगे उनका घर है, तो मैंने उनको कॉल की, मैंने डॉक्टर साहब ऐसे से बात था, बोले कि बताओ अरे भाई, मैंने कि आप आ जाओ और आज ही चलना है, हमारे एक सभी सर दिल्ली से आ रहे हैं। मैंने कि तो वो आए और हम डॉक्टर मुजाहिद सर के रेलवे रोड पर गए सेंटर, उन्होंने देखा तो वहाँ एक डेमो दिखाया गया था VCM का, तो वाकई में कुछ हमें भी एक अजीब सा लगा। मैंने कि ये बताओ कितनी पावर है इस मशीन के अंदर, तो डॉक्टर मुजाहिद सर ने कहा कि आपकी जो परेशानी है बिल्कुल ठीक हो जाएगी और यहाँ आप हेल्थ और वेल्थ पैसा भी कमा सकते हो। तो मैं चाहता था कोई नया सिस्टम ऐसा मुझे मिले और मैं उसको फॉलो करूं, क्योंकि मैं कोई काम करता हूं तो मैं दिल से करता हूं, चाहे पैसे का हो या कैसा भी हो, नहीं तो करता नहीं हूं। वो वाकई में वहां से आने के बाद में पैसे का वाकई में इंतजाम नहीं था बिल्कुल भी, मगर मेरे दिल में था कि काम करना है कैसे भी। सर ये तो, थोड़ा शॉर्ट कर लें इसको, क्योंकि ये बंद होने वाला है, हमारे इब्राहिम सर रह गए, थोड़ा सा वो कुछ कहना चाहते हैं। मैंने 3 महीने खाया था लगातार, और मैंने बीच में थोड़ा गैप दे के भी खाया था। आपको पार्किंसंस की प्रॉब्लम थी जो कि पेट से होती है,
और एयरफोर्स उसके लिए मास्टर है, एयरफोर्स और फाइबर उसके लिए मास्टर है। वो पार्किंसंस की प्रॉब्लम जो हाथ हिलते हैं, पैर हिलते हैं, जवान हिलती है, वो सब उसी की वजह से होती है। और वो आपने अपना सिस्टम को ठीक कर लिया, अपने आप को बीमारी से मुक्त कर लिया, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस आ गया और लगातार आप लगे रहे। थैंक यू सर, थैंक यू आरजी, थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए। और नेक्स्ट हमारे साथ इब्राहिम जी हैं जो कुछ कहना चाह रहे थे भी। इब्राहिम जी अपने माइक को म्यूट कर सकते हैं, इसके बाद हम अपने सेशन को एंड करेंगे। इब्राहिम जी वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा ऑल टाइम्स लीडर को गुड मॉर्निंग। और आज का जो सेशन था बहुत ज़बरदस्त रहा सर का, और आज हमको वो नॉलेज मिली है जब हम फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारे सवाल हमको मिलते हैं प्रोस्पेक्ट के, जो कि हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आज की जो सेशन में हमको बहुत सारे सवालों का जवाब मिला है कि अगर हमने इसको वाकई में याद कर लिए सारे सवालों के जवाब, तो हम बेहतर तरीके से हम अपने काम को कर सकते हैं। और भी सारे लोगों की शेयरिंग बहुत अच्छी रही सर आज की। और एक सवाल था जिसमें हमारी मैम ने भी कहा था कि प्रोडक्ट बहुत महंगे, जैसे हम जब फील्ड में निकलते हैं अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं और अपने सप्लीमेंटों के बारे में जब हम बताते हैं, तो हमें एक सवाल आता है कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो हम उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। तो हम उनको इस तरीके से बता सकते हैं कि आपने देखा होगा जो एक दूध होता है, मिल्क जो होता है, अगर गाय का दूध देखा होगा आपने तो वो भी सफ़ेद होता है, भैंस का दूध होता है तो वो भी सफ़ेद होता है, और बकरी का जो दूध होता है वो भी सफ़ेद होता है, भेड़ का दूध होता है वो भी सफ़ेद होता है, और ऊँटनी का जो दूध होता है वो भी सफ़ेद होता है, लेकिन उन सारे दूधों की क्वालिटी अलग अलग होती है। सेम प्रकार से जितने भी सारे मार्केट में बहुत सारी जो कंपनियां चल रही हैं, जैसे अब हमारे कंपनी के पास में भी मल्टीविटामिन है, ओमेगा है, और भी कंपनियों के पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो सेम हैं, तो हम उनको बता सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट हैं, सप्लीमेंट हैं, उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। जब हम अपने सारे सप्लीमेंट को यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हाँ हमारे सप्लीमेंट कितने बेहतर हैं और उनकी क्वालिटी क्या है। तो हम उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एक एग्जाम्पल से हम इस तरीके से भी समझा सकते हैं। हम उनसे कह सकते हैं अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को किस कॉलेज में आप अपना एडमिशन कराना चाहेंगे, गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में। तो सामने वाला इंसान खुद ही जवाब देगा कि हम प्राइवेट में पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि प्राइवेट की जो पॉलिसी होती है बच्चों को पढ़ाने की, उसकी जो अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूलों के अंदर में, और अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छी हमें एजुकेशन मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर में हमें उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो क्यों आप, तो फिर आपको गवर्नमेंट में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में तो ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, तो पढ़ाई तो दोनों में भी पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट में भी होती है और प्राइवेट में भी होती है, तो फिर आप प्राइवेट में क्यों पढ़ाते हो। तो वो इंसान खुद ही बताएगा कि प्राइवेट में हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें अच्छी एजुकेशन मिलती है और हमको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है। तो हम उन्हीं के सवालों में से हम जवाब दे सकते हैं कि सेम दैट जैसे भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत बढ़िया है। तो सर आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। थैंक यू सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को सभी ने सुना बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये रिकॉर्डिंग अभी जाएगी यूट्यूब पर, सभी सुन सकते हैं, इसको देख सकते हैं। शेयरिंग की रिकॉर्डिंग भी जाएगी और सेशन की रिकॉर्डिंग भी जाएगी, और जो आपको पीपीटी है वो सभी को आपको ग्रुप में मिल जाएगी। आप उसको बार बार याद करें, बार बार देखें, और अपने जो भी सेशन होते हैं उसमें बार बार चलाएं। जिनके भी क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये दिखाना, चलाना, याद कराना बहुत ज़रूरी है लीडर्स को कि हम प्लान के साथ साथ इसको भी करें, प्रोडक्ट की डेमो भी करें और मीटिंग्स को करें डेली। जितने भी लीडर्स हमारे हैं वो सभी डेली काम करें, मैं भी डेली काम कर रहा हूँ, और डेली काम करके जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो डेली काम कर रहा हूँ मैं, जो है यहाँ से डेली प्रोस्पेक्ट हैंडलिंग कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि बहुत अब जो काम जो है वो मैंने टाइम निकालना शुरू किया है पूरी तरीके से, जिसमें कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ लोगों की क्लोजिंग भी रह जाती है, कुछ होता है थोड़ा सा जो है, उस सबको मैनेज करके हम आगे बढ़ेंगे, और हम सभी लीडर्स की हेल्प करेंगे, और चाहे अलीगढ़ में हों, चाहे दिल्ली में हों, कहीं पर भी हों पूरी तरीके से, और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। जो भी लीडर्स काम कर रहे हैं, मैं जिनको भी देख पा रहा हूँ पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, मैं उनको पूरे तरीके से हर उनको जो है लेवल पर लेकर जाऊँगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मैं मेहनत करूँगा, अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि मेरी सेहत को ठीक रखे और हिम्मत दे मुझे पूरी तरीके से कि मैं उन सबकी हेल्प कर पाऊँ पूरी तरीके, हर तरीके से, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो टीम से हो,
कहीं पर भी कुछ मुझे कुछ लगता है कि उस लीडर्स ने बहुत मेहनत की है और मैं उस मेहनत को उसका जाया नहीं जाने दूंगा, उसका पूरा गोल्ड लर्न डायरेक्टर एसजी तक लेकर के जाऊंगा। बस आप काम करते रहें लगन से, मैं सब देख रहा हूं पूरा कि कौन आदमी कहां पर काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके से नहीं कर रहा, तो बस आप लगे रहें, काम करते रहें पूरी तरीके से। मेरा विश्वास है कि आप बिल्कुल, सभी लोग हैं हमारे अच्छे हैं, सभी टीम हमारी अच्छी है, सभी मेहनती लोग हैं और बस काम पर विश्वास करें। सभी लोग अपने लोगों को प्लान सिखाएं, प्लान बताएं, डेमो सिखाएं, डेमो बताएं और काम करके दिखाएं पूरी तरीके से। थैंक यू सभी लीडर्स को, थैंक यू, विश यू सक्सेस, गो एसडी, थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू।